सावधान जो जूता पहनकर गए परीक्षा देने। सावधानी इसलिए भी कि अब ऐसा शर्ट पहनना होगा जिसमें बड़ी बटन नहीं होगी, और यह भी ध्यान रखना है कि जो कपड़े पहन करके जाएंगे वह बहुत मोटे कपड़े नहीं होंगे। घड़ी भी नहीं पहनना है, और कपड़े जो पहनना है वह बहुत मोटे नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा नीट की। MBBS और BDS में प्रवेश पाने के लिए जो परीक्षा निर्धारित की गई है वह 5 मई को होना तय है। CBSE ने कड़ा नियम बनाया है, शायद नकलचियों ने उनको हिला कर रख दिया है। सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा प्रदेश की सरकार हो। ऐसी परिस्थिति में CBSE ने कहा है कि भाई अगर जूता पहन करके प्रवेश परीक्षा देने आए तो खैर नहीं है, पहन करके क्या आएंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने वाले लोग, अच्छा होगा नंगे पाँव चले आओ, नहीं तो उन लोगों ने छूट दिया है, आप हवाई चप्पल और सैंडल पहन करके आ सकते हैं, क्योंकि डर है कि आपके जूते में नकल की सामग्री हो सकती है अथवा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे आप नकल कर लेंगे। घड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक संवाहक हो सकती है जिससे आप नकल कर सकते हैं। बटन में भी उस प्रकार के कैमरे और यंत्र लगे हो सकते हैं, इसलिए पूरी तौर पर CBSE मुस्तैद है कि हम अच्छी परीक्षा कराएंगे जिसमें कोई नकल और कोई बेईमानी नहीं होगी। हम भी ऐसे मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वह इसका पालन करें। देखना यह है कि चोर नकलची इस बार कौन सा तरकीब अपनाते हैं। अभी जो परीक्षाएं हुई हैं हाई स्कूल इंटर की, सभी विद्यालयों पर CC कैमरे लगे थे, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM सभी ने दावा किया कि नकल नहीं हुई है। लेकिन मास्टर साहब लोगों ने क्या किया, चोरों ने क्या किया, नकल करवाने वालों ने क्या किया, दरवाजे के बगल से होकर, खिड़की जंगले के बगल से होकर के, और वे लोग बोलते थे, बच्चे लिखते थे। देखते हैं इस बार कैसा होता है। कुल मिला करके CBSE को बधाई हमारे तरफ से, चलिए नए नियमों का इजाद किया, शायद इससे चोरों की चोरी पर अंकुश लग सके। लेकिन वह कहावत क्या पता चरित्रार्थ होगी कि नहीं, तू डाल डाल मैं पात पात। धन्यवाद।